Hello everyone, this is the second part of the Hart's question of irrational numbers. Right, अगर आपने अभी तक इसके पहले वाली हॉट सेक्शन के पार्ट फर्स्ट वीडियो वाली नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. राइट, ओके, व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. इफ ए इज इक्वल्स टू 8√6 माइनस 8√5 and b is equals to 8√6 plus 8√5, c is equals to 6√6 plus 6√5, d is equals to 4√6 and 4√5, and e is equals to, so e की वैल्यू यहाँ पे दी गई, right, √6 plus √5. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 2 लिखा हुआ है, 2 मत लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है. वेदर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी और डी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी ए बी सी डी इज, ई इज अ रेशनल नंबर, ए बी डी इज, ए बी और सी डी. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई सीइंग द ऑप्शन, बट एक एक ऑप्शन चेक करने में बहुत देर लग जाएगी. लेकिन यहाँ से क्लियर आ रहा है, क्लियर कट इमेज मुझे ये मिल पा रही है कि सारे ऑप्शन में हर नंबर्स को इंटू किया गया है. मतलब किन्हीं नंबर्स को, ऊपर दिए गए नंबर्स को अगर मैं इंटू करूँ, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए. इसके पहले ही वाली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ इरेशनल नंबर के, कि किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का इंटू करने पर इरेशनल ही आया, जरूरी नहीं है, रेशनल भी आता है. ठीक है, अगर आप कंजुगेट के इंटू करते हो तो आपको रेशनल मिलता है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारे डिजिट 6565 में है, बस सर्ड की पावर इधर उधर है. तो यहाँ से हमें दिमाग लगा लेना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं. तो इंस्पेक्शन से हम कुछ ऑप्शंस कैंसिल कर सकते हैं, फिर बचे हुए ऑप्शंस में आसानी से जान पाएंगे. ठीक है, चलिए फिर कुछ इंस्पेक्शन कर लेते हैं. यहाँ से कोई दूसरी कलर ले लेते, यही सही है. चलिए ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ, सबसे छोटा मुझे लग रहा है ए बी, ये बड़े बड़े हैं, पहले ए बी देख लेता हूँ. ए और बी का इंटू करते हैं, अगर ए और बी का यहाँ पे एक कर लेते हैं, इस तरह से मुझे सी और डी के बारे में आसानी से पता लग जाएगा. ये 6 माइनस 8√5 राइट, इंटू है 8√6 प्लस 8√5. वी कैन से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंड वी नो दिस इज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट. सो 8√6 स्क्वायर्ड माइनस 8√5 स्क्वायर्ड, 8th root है, दिस इज द 8th root, नॉट 8√6 राइट, 8√6 नहीं, 8th root, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेडिकेंड. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल राइट, दिस इज द रेडिकेंड 6 एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द, सो इट कैन ऑल्सो रिटन द 6 to power 1/8, 5 to power 1/8 and 2 4 8, 2 4 8, 6 power 1/4, minus 5 power 1/4, which can also be written as 4√6 minus 4√5. So the product of AB is not rational, so this option is incorrect. What about CD? C is 6√6 or here D is 4th root. So order is not same, so it can never be rational. Aise by inspection we can reject A, B and C, D clearly. Okay, clear है. अब आ जाते हैं इन दोनों ऑप्शन में, यानी A, B, C, D सब का इंटू कर दो, या तो A, B, D, E का इंटू कर दो. और ठीक है, अभी C अगर मैं देखूँ, इसमें C है, और C क्या है, 6th root है. तो यहाँ पे देखो 8 है, ये 4 है, ये 2 है, सब 2 के मल्टीपल फॉर्म में है, यानी 2 4 2 2 4 2 8, ये 3 वाला गड़बड़ कर, 6 सी वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है. अगर मैं देखो, अगर ए बी को जैसे मैंने इंटू करके ले आया ना, मुझे कैसे पता लग पा रहा है, देखो ए बी को मैं क्या लेके आया, ए बी का प्रोडक्ट मुझे पता है. ये देखो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है. अब बात करनी है सी डी ई का इंटू, ए बी में कराएंगे तो रेशनल हो जाएगा, कि डी ई का इंटू कराएंगे भी तो रेशनल हो जाएगा. तो ए बी का प्रोडक्ट तो मुझे पहले से पता है ना, मैंने कैलकुलेट किया है,
फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ सिक्स और फोर्थ रूट ऑफ फाइव, यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये फोर्थ रूट, ये देखो डी की वैल्यू सेम दी गई है, कंजुगेट है एक दूसरे में, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा, अगर इन दोनों को इंटू करूँ तो क्या बन जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो एट था तो क्या आ गया, फोर आ गया, इस तरह से इन दोनों में जब इंटू कराएंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, यानी अब इसे आप कर लीजिएगा, अब ए बी में मैं इंटू करने वाला हूँ किससे, डी से, अगर ए बी में डी से इंटू करूँ, यानी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट इंटू करूँ, आप कॉपी में कर लेना, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, जैसे किया है वैसे ए बी इंटू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर्ड तो सेम ही है ना, इसका इंटू करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी बनेगा, ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सिक्स, तो यहाँ टू बन जाएगा, टू लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया ए बी टी का इंटू आ गया। अब टू, अब देखो ये टू रूट सिक्स मतलब टू रूट सॉरी कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, और यहाँ पे ई, ई उधर लिखा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ई की वैल्यू भी दी गई है, अगर मैं ए बी डी में ई से इंटू कर दूँ तो बड़ी आसानी से, फिर से टू से इस बार क्या हो जाएगा, इस बार फिर से जो हमारा ऑर्डर ऑफ रेडिकल होगा टू से रिड्यूस होकर वन हो जाएगा, मतलब रेशनल बन जाएगा, यानी ए बी डी में अगर मैं ई से इंटू कर दूँ, ए बी डी की वैल्यू आई है ये, मैं टू हटा देता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट में टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियसली नोन होता है, तो रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, ए बी डी की वैल्यू हो गई और ए की वैल्यू हो गई कितनी, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, हेडफोन ऑन लगा लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिशन लेवल के। अब देख रहे हैं इन दोनों का कंजुगेट है, इन टू करेंगे आराम से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट सिक्स का स्क्वायर होगा सिक्स और रूट फाइव का स्क्वायर होगा फाइव, आंसर आ गया वन, देखा ना कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, तो ए बी डी ई कितना आ गया भाई, ए बी डी ई, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी ई इज़ अ रेशनल, तो मुझे ए दिया गया था, बी दिया गया था, सी दिया गया, डी दिया गया, ई दिया गया, अगर इसमें से मैं ए बी डी ई का इंटू करूँगा तो वह रेशनल होगा, है ना, इस ये तो मैंने पहले कैंसिल कर दिया कि ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, अभी ये आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सी से इंटू करने पर नहीं हो रहा था, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन जल्द ही आपके पास आएगा, और देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता लग पाएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं, वैल्यूबल है या नहीं, या अगर आपके पास इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में भेजिए, उसे मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर डालूँगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एवरीवन।